और यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है, जेईई नीट एग्जाम को लेकर ममता ने केंद्र को घेरा है। ममता ने कहा कोरोना की वजह से एग्जाम अभी सुरक्षित नहीं है, राज्य सरकार एग्जाम टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए। नीट और जेईई परीक्षा का विरोध करने वाली ममता बनर्जी की जब दाल नहीं गली तो अब वे सत्ता का दुरुपयोग कर नीट के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने से रोकना चाहती हैं। जी हाँ, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन 20 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इस लॉकडाउन की अवधि में 3 दिन यानी 7, 11 और 12 सितंबर को कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जबकि नीट परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को होना है। ऐसे में छात्रों के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि परीक्षा से 2 दिन पहले राज्य में सब कुछ बंद रहेगा। ऐसे में एक शहर से दूसरे शहर छात्रों का जाना आसान नहीं होगा।